मानसून का शानदार आगाज हरियाणा में भी देखने को मिला है और मौसम के पूर्वानुमान को लेकर कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मदन कीचड़ से खास बातचीत की। ब्यूरो हेड डॉक्टर महेश कुमार ने आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा में मानसून का आगाज बेहद शानदार रहा है। हरियाणा के ज्यादातर इलाकों में मानसून के बादल झमाझम बरसते नजर आ रहे हैं। मानसून से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मदन खीचड़ इस वक्त हमारे साथ बने हैं। डॉक्टर खीचड़, कह सकते हैं कि पूरे हरियाणा में अब मानसून की बारिश, जबरदस्त बारिश देखने को मिल रही है? मानसून हरियाणा में 25 जून को प्रवेश कर गया था उत्तराखंड साइड से, यमुनानगर की तरफ से, और 27 तारीख को लगभग हरियाणा को कवर किया था और कल भी बारिश हुई है हरियाणा में और आज भी हरियाणा में दिल्ली के आसपास जो NCR रीजन है वहाँ बारिश हो रही है और आगे भी मानसून सक्रिय रहेगा। अगले 2-3 दिनों तक अच्छी बारिश हरियाणा में देखने को मिलेगी। ऐसे में क्या लगता है कि मानसून इस बार सामान्य रहेगा, सामान्य से ज्यादा बारिश देखने को मिल सकती है या सामान्य से कम बारिश इस बार दर्ज होगी? नहीं, अभी मानसून सामान्य के आसपास ही बताया था भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जब मानसून का पूर्वानुमान जारी किया था, और अभी उम्मीद कर रहे हैं कि मानसून सामान्य ही रहने की संभावना है। जुलाई में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी क्योंकि जुलाई में बिजाई का सीजन होता है, धान की रुपाई का समय होता है, फसलें भी बीज जाती है, तो इसमें अच्छी बारिश होने की संभावना है। तो क्या ये मान लिया जाए कि इस बार मानसून की बारिश का इंतजार लोगों को नहीं करना पड़ा, प्री मानसून जिस वक्त पहुंचता है उसी वक्त मानसून इस बार हरियाणा में पहुंच गया? हाँ, क्योंकि अभी पीछे एक साइक्लोन आ गया था जिसके कारण अरब सागर से मानसून की गति नहीं बढ़ी थी, परंतु बंगाल की खाड़ी की तरफ से मानसून की गति बढ़ी। अब अरब सागर से भी मानसून की गति बढ़ने जा रही है और हवाएं दोनों तरफ से आ रही है जिसके कारण अपने उत्तर पश्चिम भारत है उसमें और मध्य भारत में ज्यादा बारिश देखने को मिल रही है। उत्तर पश्चिम भारत में भी हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर सभी जगह अच्छी बारिश हो रही है और हरियाणा में भी अच्छी बारिश की आगे संभावना। उत्तरी हरियाणा में अच्छी बारिश है, दक्षिण हरियाणा में भी बारिश हो रही है, परंतु अपने जो इस क्षेत्र है जो हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवाड़ी, यहाँ थोड़ी बारिश कम देखने को मिली है, परंतु अभी आगे आने वाले 2-3 दिनों में अच्छी बारिश है और इसके बाद में 4 से 7 जुलाई को भी अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। तो ऐसे में हरियाणा के किसानों को क्या कुछ सलाह आप देंगे? किसान भाइयों को यह है कि अभी धान की रोपाई का काम जारी रखे और जहाँ भी धान की रोपाई करनी है बारिश अगले 3-4 दिन और एक इसी अगले प्रथम सप्ताह में भी अच्छी बारिश की संभावना है, तो धान की रोपाई अच्छी तरह की जा सकती है और जहाँ भी फसलों की आवश्यकता है तो एक जल निकासी का नर्मा कपास में जल निकासी का अच्छा प्रबंध करें क्योंकि पानी कड़ा रहेगा तो वहाँ कीट और रोग की संभावना बढ़ती है और नर्मा में जड़ गलन वगैरह की समस्या आ सकती है, तो ये ध्यान जरूर रखें। चलिए, सामान्य बारिश इस बार मानसून की देखने को मिलेगी पूरे हरियाणा प्रदेश में, ये कृषि मौसम वैज्ञानिकों का पूर्वानुमान है और आगाज बेहद शानदार मानसून की बारिश का हरियाणा में देखने को मिल रहा है। सो की कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।